आतंकी इस वारदात ने दो राज्यों की पुलिस को हैरान करके रख दिया। कोटा में शिवपुरी की छात्रा की कहानी, जिसमें एक के बाद एक किडनैपिंग की कहानी का 15 दिन बाद हुआ दी एंड। आप भी देखिए किडनैपिंग की इनसाइड स्टोरी, वो मिल गई। हाथ पैर बांध के जो फोटोज भेजी गई थी पिताजी को, वो घटनास्थल भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। वो इंदौर का है। जो बच्चा हमें अभी इसमें सहयोग कर रहा है, अनुसंधान में सहयोग कर रहा है, वो उसी के ही कमरे के किचन के फोटो हैं। जो लड़की है काव्या, उन दोनों को वहाँ से उनको दस्तयाब कर लिया गया है। सिलसिलेवार इन तस्वीरों को देखिए। सबसे छात्रा की किडनैपिंग का फोटो, हाथ पैर बंधे हुए। दूसरी तस्वीर, दहशत भरा मैसेज, 30 लाख की फिरौती की मांग। तीसरी तस्वीर, जयपुर में अगवा छात्रा दो दोस्तों के साथ दिखाई दी। चौथी तस्वीर, इंदौर के भोलाराम उस्ताद मार्ग सर्वानंद नगर में गर्ल्स हॉस्टल के पास छात्रा अपने दोस्त हर्षित के साथ नजर आई। लेकिन इसके बाद के बेराड़ के स्कूल संचालक की बेटी का कहीं पता नहीं चला। एक किडनैपिंग का मामला रजिस्टर्ड हुआ था कोटा जिले में, जो विज्ञान शहर थाना है, वहाँ पर एक मामला रजिस्टर्ड हुआ था किडनैपिंग का। उस सिलसिले में कोटा की टीम यहाँ इंदौर पर आई थी और इंदौर में वरिष्ठ संपर्क किया गया, जिसमें क्राइम ब्रांच की दो टीमें लगाई गई थी उनके लिए। 18 मार्च से शुरू हुई थी कहानी। दो राज्य की पुलिस किडनैपिंग के इस केस में हैरान परेशान हो गई। राजस्थान और रहने वाली छात्रा की तलाश कर रही थी, जिसके घर वालों के मुताबिक कोटा में रहकर छात्रा पढ़ाई कर रही थी। तभी 18 मार्च को किडनैपिंग और रैंसम का मैसेज। लड़की कोटा पुलिस ने जांच की तो चौंकाने वाले हुए। लड़की महज 3 दिन ही कोटा रुकी थी। मैं सूचना के आधार पर एक व्यक्ति से पूछताछ करने के लिए कोटा, एक जो ब्रजेंद्र नाम के व्यक्ति को कोटा पुलिस पहले ले जा चुकी थी। फिर उसके बाद युवती जो लड़की थी, छात्रा का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। इसमें क्राइम ब्रांच और कोटा पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। किडनैपिंग की कहानी शुरू शक के दायरे में थी। इस झूठी अपहरण की कहानी का राज फाश हुआ जयपुर में बस स्टैंड से आई अगवा छात्रा की तस्वीर से। फिर इंदौर में नजर आई, कहानी झूठी थी। इसका पर्दाफाश किया लड़की के एक और दोस्त ने, जिसने विदेश में पढ़ने के लिए साजिश लड़की और उसके दोस्त हर्षित ने रची। इंदौर के जिस पीजी में विजेंद्र रहता था, उस किचन में शूट हुए। पिछले 15 दिन से लापता छात्रा और उसके दोस्त हर्षित तलाश जारी थी, जो मिले इंदौर में ही। इसमें क्राइम ब्रांच और कोटा पुलिस तलाश कर रही थी। इसी सूचना पर जो खुलेल थाना क्षेत्र के अंतर्गत देव ग्वालिया से आगे एक शिवाजी वाटिका है, वहाँ पर ऐसी सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर वहाँ से एक दोनों को, एक हर्षित और एक जो लड़की है काव्या, उन दोनों को वहाँ से उनको दस्तयाब कर लिया गया है। इस बीच छात्रा और उसका दोस्त हर्षित अमृतसर गए थे, वहाँ गुरुद्वारे में रुके, पैसे रुपए खर्च होने पर इंदौर आए। उनके द्वारा ये बताया गया है कि उन्होंने काफी समय अपना अमृतसर में जो कि अपना गुरुद्वारा है वहाँ पर रहे हैं। पैसा इनके पास कम था तो इस वजह से वहाँ पर रहे थे। अभी फिलहाल इसमें चूंकि कोटा पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कोटा पुलिस के आने के बाद उनको हैंडओवर और इन्वेस्टिगेशन जो तथ्य आएंगे उसके आधार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 15 दिन बाद आखिरकार किडनैपिंग की इस कहानी का दी एंड हुआ। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और चलिए अब देखेंगे चुनाव चौपाल।